पूरे शरीर में राजा शर्मा जी के द्वारा लिखित एक छोटी सी बहुत ही सुंदर प्रेरणा कथा। कहानी को सिर्फ पढ़ देना या लिखकर पाठकों तक पहुंचा देना ही सिर्फ एक लेखक का काम नहीं होता, उसको अपनी लिखाई में वो सब कुछ शामिल करना होता है जो उसके पाठक पसंद करते हैं। पाठकों की पसंद को ख्याल में रखकर लिखना लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ये कला राजा शर्मा सर को बखूबी आती है। तो सुनिए एक नई बहुत ही छोटी सी कहानी जिसकी गहराई तक आपको पहुंचना होगा, क्योंकि इस कहानी के गर्भ में भी उनकी हर कहानी की तरह एक संदेश छिपा है। कुछ शताब्दियों पहले की बात है, एक पश्चिमी देश का राजा गीत संगीत का बहुत ही शौकीन था और वो कलाकारों, गायकों, लेखकों, दर्शन शास्त्रियों को समय समय पर सम्मानित और पुरस्कृत भी करता रहता था। राजा था भी बहुत ही बुद्धिमान और अक्सर कलाकारों से कई प्रश्न भी करता था और उनकी कला के बारे में कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखता था। उस शहर में एक बहुत ही खूबसूरत नर्तकी थी। उसके शरीर और उसकी नृत्य कला के सभी लोग दीवाने थे। वो अक्सर बड़ी बड़ी महफिलों में अपना नृत्य दिखाने जाती थी। उसको हर जगह खूब मान सम्मान मिलता था। एक दिन उस शहर के राजा ने भी उस नर्तकी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वो अपने संगीत बजाने वाले साजिंदों के साथ निर्धारित शाम को दरबार में पहुंच गई। राजा से अनुमति लेने के बाद उसने बांसुरी, सितार, हारमोनियम और तबले की थाप पर अपने घुंघरू थिरकाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो नाचती गई, लोगों की आंखें खुलती चली गई। उसका नृत्य इतना शानदार और अद्भुत था कि ऐसा लगता था कि वो कोई स्त्री नहीं, स्वयं नृत्य ही थी। उसके नृत्य को देखकर यूं लग रहा था जैसे फूलों का कोई बगीचा ही नाच रहा था, बादलों के झुरमुट नाच रहे थे, वर्षा की बूंदें बरस रही थी और हवाएं मंद मंद चलने लगी थी। दरबार में उसके नृत्य ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर मूर्तियों से ही लगने लगे थे। नृत्य समाप्त होने के बाद वो नृत्यकी राजा के सिंहासन के सामने आई और उसने झुककर राजा को अभिवादन किया। राजा ने उसको एक थाली में सोने की अशर्फियां और अपने गले से सच्चे मोतियों की एक माला उतार कर दी थी। राजा ने साजिंदों को भी बहुत से उपहार दिए। कुछ देर के बाद राजा ने उस नृत्यकी से कहा, सुंदरी, तुम सिर्फ एक नृत्यकी नहीं हो, तुम तो प्रेम और प्रकाश की एक ज्योति हो, लावण्य और दीप्ति की मूरत। तुम ये नृत्य कला किस उम्र से सीख रही हो? तुमने तो संगीत को जैसे पकड़कर अपने अंदर ही बसा लिया है। उस नृत्यकी ने हाथ जोड़े और झुककर फिर से राजा से कहा, महाराज, मेरे पास आपके प्रश्नों के उत्तर तो नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानती हूं कि एक विद्वान या दार्शनिक की आत्मा उसके दिमाग में होती है, एक कवि की आत्मा उसके हृदय में होती है और एक गायक की आत्मा उसके गले में होती है, लेकिन इन सबसे ही अलग मेरी आत्मा मेरे पूरे शरीर में ही फैली हुई है। मैं बस इतना ही जानती हूं कि मैं सिर्फ नृत्य करने के लिए ही इस धरती पर आई हूं। दरबार में सभी लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उस नृत्यकी के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाई और उसका एक बार फिर से फूलों से सम्मान किया। दोस्तों, कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना है कि कोई भी काम कीजिए, उस काम को अगर आप अपनी आत्मा बना लेते हैं तो उसको अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं, तो कोई भी आपको सफलता की ऊंचाइयां छूने से नहीं रोक सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद।